वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्यों को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख के समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये पति प्रत्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल पड़े। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में
हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी, जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के कारण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उनका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भलीभांति पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वो जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिवजी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहीं जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से
पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि ने चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी